हेलो गाइज, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। और अगर आप राइजन थर्ड जन का वेट कर रहे हो या इंटेल की 2021 में आने वाली 10th जनरेशन का वेट कर रहे हो, या फिर आप जो है वो अभी एक पीसी बिल्ड करने वाले हो, या एक हफ्ते बाद करोगे या एक महीने बाद करोगे, आप एक पीसी में आप एक एसएसडी या एक हार्ड ड्राइव जरूर यूज करोगे, लेकिन एसएसडीज भी डिफरेंट टाइप की होती है। तो आपके बजट के हिसाब से आपको कौन सी एसएसडी लेनी चाहिए और कौन सी एसएसडी फास्ट है, कितने टाइप की एसएसडीज होती हैं, तो ये सब जो है वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें और मे भी शायद एंड तक आपको जो है वो वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी एसएसडीज आपके लिए बेस्ट है और आपको कौन सी लेनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं नॉर्मल जो हम देखते हैं वीडियोस में 2.5 इंच की एसएसडीज के बारे में, जो कि कुछ इस टाइप की आपको दिखती है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है। और मैं खुद एक एसएसडी यूज करता हूं। मैं पहले 120GB की WD ग्रीन यूज करता था, अब मैं अपग्रेड कर लिया मैंने, तो अब मैं वो WD की ही ब्लू यूज करता हूं 500GB। ये जो नॉर्मल 2.5 इंच का फॉर्म फैक्टर है, ये आपको बहुत कॉमनली देखने को मिल जाएगा। इसके लिए जो है वो कनेक्ट करने के लिए आपको दो तारें चाहिए होती हैं, एक होती है सेटा डेटा केबल, एक होती है सेटा पावर केबल, जो कि नॉर्मल आपकी हार्ड ड्राइव में भी लगती है, तो बहुत इजीली मिल जाएंगे। ये एसएसडी सबसे सस्ती एसएसडीज होती हैं। इनमें जो है वो आपको रीड एंड राइट स्पीड जो है वो ज्यादा देखने को मिलेंगी एज कम्पेयर टू हार्ड ड्राइव। कोई भी एसएसडी हो उसकी रीड एंड राइट स्पीड हार्ड ड्राइव से ज्यादा ही होंगी, लेकिन ये जो एसएसडीज होंगी इनकी स्पीड जो है इस फॉर्म फैक्टर में जो 2.5 इंच में आपको सेटा एसएसडीज मिलेंगी, ये जो है वो आपको कभी भी 600 MB पर सेकेंड से ऊपर की नहीं मिलेंगे, उल्टा 600 से भी नीचे ही मिलेंगी। 600 एक तरीके से लिमिट समझ लो, तो 600 से भी तुम्हें नीचे मिलेंगी, बट एक तरीके से समझ लो कि मतलब इनकी एक तरीके से लिमिट है, सेटा की लिमिट है कि तुम जो है वो इन एसएसडीज को इतने से ऊपर में नहीं ले सकते हो। तो एक तरीके से तुम्हें ये रीड एंड राइट स्पीड्स इनमें देखने को मिलेगी। अब तुम 120GB वाला वेरिएंट लेते हो या 1TB वाला वर्जन लेते हो, वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि मैं आपको पर्सनली ये सजेस्ट करूंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि 120GB की एसएसडी कभी ना लें। ये ना केवल मैं बोल रहा हूं बल्कि बड़ी बड़ी साइट्स लाइक टॉम्स हार्डवेयर, आनंद टेक जैसी साइट्स भी यही रिकमेंड करते हैं कि आप 120GB की एसएसडी कभी मत लो। इवन अगर आपका मन ये हो कि मेरे को सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है अपने एसएसडी में, तो भी उसको मत लो, क्योंकि विंडोज़ में कभी ना कभी अपडेट्स आएंगे, आप उसके अंदर क्रोम, फायरफॉक्स, अपने ड्राइवर्स, अपने अगर आप एडिटिंग के लिए कर रहे हो तो एडोबी प्रीमियर या कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर्स डालोगे। एंड अगर आप गेमिंग सिस्टम बिल्ड कर रहे हो तो गाइज एटलीस्ट आप उसके अंदर एक या दो गेम तो डालोगे। और अगर मैं बैटलफील्ड 5 ले लूँ और GTA 5 ले लूँ, तो दोनों 50-50GB के गेम्स हैं, तो 100GB तो ऐसे ही भर गई 120GB में। तुम उसके अंदर क्या, तो तुम विंडो इंस्टॉल करोगे क्या, तुम उसके अंदर कुछ और करोगे? तो बेसिकली जब एसएसडी लो तो एक 240GB की लो विद एक हार्ड ड्राइव। कभी भी एक 240GB की सिंगल नॉर्मल SSD मत लो, क्योंकि वो भी कम ही पड़ेगी, क्योंकि अगेन दो गेम्स भी स्टोर करोगे तो दो गेम्स ही मिलकर 100GB तो दो गेम्स ही ले लेंगे तुम्हारी। तो वो मेरे हिसाब से नहीं बनता। अगेन अगर तुम्हें लेना है तुम ले सकते हो, बट लेकिन वो पर्सनल चॉइस है, पैसा आपका है, आपको जैसे चाहे स्पेंड करना है। मैं तो बस अपना एडवाइस दे सकता हूँ। मूव करते हैं इन SSD से लेके अब M.2 फॉर्म फैक्टर के ऊपर। तो अब M.2 SSD जो है वो आपको थोड़ी छोटी देखने को मिलेंगी, ये देखो आपको स्क्रीन पर दिख भी रही है। अब इसके अंदर भी दो तीन टाइप की SSDs आती हैं। M.2 में भी सेटा SSD होती है, M.2 में एक होती है NVMe, ठीक है। तो अब सेटा SSD जो होती है M.2 में, वो कुछ नहीं होता है उनके अंदर, बस उनका साइज छोटा है। जो अभी इससे पहले मैंने 2.5 इंच वाली बताई थी, होती स्पीड्स इनकी उतनी ही है, बस इनका जो कनेक्शन का टाइप है और वो जो छोटा सा तुम्हें दिख रहा है ना, पहले वाली जो थी वो 2.5 इंच की थी और ये जो है वो एक छोटी सी चिप जैसी है, तो बस साइज का फर्क है। स्पीड जो है वो आपको दोनों में लगभग लगभग उतनी ही देखने को मिलेंगी। एंड फायदा इस वाली का ये है कि इस वाली में आपको कोई एडिशनल तारें वगैरह कनेक्ट नहीं करनी पड़ रही। तो अगर आप एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर रहे हो जिसके अंदर आपको वायर या केबल मैनेजमेंट कम करना पड़े, आप चाहते हो क्लीन लुक हो, तो आप जो है वो एक सेटा SSD का ही आपका बजट है, लेकिन आप सेटा जो है वो 2.5 इंच नहीं ले सकते, तो आप ये वाली M.2 सेटा सकते हो। ये भी आपके हर मदरबोर्ड में इसका स्लॉट होता है। अगर आपके पास एक लेटेस्ट जनरेशन का मदरबोर्ड है, केबी लेक हो, स्काई लेक हो, आपके पास कॉफी लेक हो, आपके पास अभी जो इंटर का 9th जनरेशन आई है कॉफी लेक रिफ्रेश, आपके पास AMD का जो है फर्स्ट जन राइजन हो, सेकंड जन राइजन हो, या आने वाला थर्ड जन राइजन हो, आपको हर जगह मदरबोर्ड में वो स्लॉट मिल ही जाएगा, वो छोटा सा स्लॉट जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा है। तो यहां पर आपको बस नॉर्मल लगानी है, स्पीड आपको वही मिलेगी सेटा वाली जो मैंने पहले बताई थी आपको 2.5 इंच वाली, लेकिन बस फॉर्म फैक्टर अलग है। अब आती हैं M.2 NVMe। अब ये जो ड्राइव्स हैं ये थोड़ी फास्ट, और ये काफ़ी थोड़ी नहीं बहुत फास्ट होती है। तो ये होती हैं NVMe, मतलब नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। तो ये जो NVMe ड्राइव्स हैं ये आपकी PCIe इंटरफेस पे काम करती है, तो इनकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि आपको गीगाबाइट्स में स्पीड देखने को मिलेगी। मैंने आपको पहले मेगाबाइट्स में बताई थी स्पीड, लेकिन इसमें आपको गीगाबाइट्स में स्पीड देखने को मिलेगी। मैक्सिमम अगर मैं PCIe 3.0 की बात करूं, तो आपके मदरबोर्ड में एक PCIe 3.0 4X का एक स्लॉट होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली आपके CPU से जुड़ा होता है। तो उसमें जब आप इसको कनेक्ट करते
करते हो और उसी में ही करोगे वैसे आप नॉर्मल यूज में, तो जब आप उसमें कनेक्ट करते हो तो आपको पीसीआई 3.2 4x स्लॉट की जो आपको मैक्सिमम बैंडविड्थ मिलती है वो मिलती है 4 GB पर सेकंड की, ठीक है। तो उसमें जो है वो 4 GB पर सेकंड की आपको स्पीड्स मिल रही है और एक एसएसडी आपको मैक्सिमम अराउंड 3.5 तक लिमिट हो जाएगी, तो 3.5 GB पर सेकंड तक आपको रीड स्पीड्स मिल जाएंगी, आपको एडेटा की एसएसडीज मिल जाएंगी, आपको WD ब्लैक मिल जाएगी, आपको सैमसंग की मिल जाएगी। तो आपको डिपेंड करता है आपको कौन से ब्रांड की चाहिए, कौन सी आपके लिए अच्छी है, कौन सी आपके वहाँ डील पे चल रही है, वो सब आपके ऊपर है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। आप जो है वेबसाइट्स पे जाके या इनके अमेजोन लिंक पे जाके या कहीं पे भी जाके आप जो है उनकी रीड एंड राइट स्पीड्स देख सकते हो और आपको जो भी अच्छी डील मिले आप उसकी तरफ जा सकते हो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स वगैरह आप कंपेयर कर सकते हो। तो NVMe SSD सबसे फास्ट होती है। SSD जो है वो अगर सेटा पे बेस्ड है तो सेटा पे वो 2.5 इंच वाली भी हो सकती है, वो M.2 भी हो सकती है, ये चीज ध्यान रखना। अब जो M.2 मैंने बोली है आपको NVMe वाली, वो भी दो वर्जन्स पे आती है, एक होती है 4x एक होती है 2x, मतलब एक जो है वो यूटिलाइज करती है आपके PCIe की 4 लेंस को, एक यूटिलाइज करती है 2 लेंस को। ऑफकोर्स जो 4 लेंस को यूटिलाइज करेगी उसकी स्पीड ज्यादा होंगी क्योंकि उसकी स्पीड्स होंगी अराउंड 3 मैक्सिमम, वैसे थ्योरेटिकल तो 4 GB पर सेकंड है PCIe की, लेकिन SSDs आपको अराउंड 3.5 टू 3.6 तक देखने को मिलेगी, गीगाबाइट्स पर सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ, गीगाबिट्स नहीं गीगाबाइट्स, ठीक है। तो गीगाबाइट तक आपको देखने को मिलेगी। अब ये SSDs अगेन फिर थोड़ी महंगी भी आती हैं, लेकिन अगर आपका बजट है, आप एक Ryzen 7 पे बिल्ड कर रहे हो, 2080 Ti पे बिल्ड कर रहे हो, i9 पे बिल्ड कर रहे हो, तो ऑफकोर्स आप इन SSDs को अफोर्ड कर सकते हो। नाउ अब जो है वो AMD ने अपना PCIe 4.0 अनाउंस कर दिया है, वो जो है वो अपने नए जो CPUs हैं, नए मदरबोर्ड्स हैं X570 उनके साथ PCIe 4.0 देखने को मिलेगा। तो PCIe 4.0 की स्पीड्स जो हैं वो डबल है PCIe 3.0 से, तो यानी कि जो PCIe 4.0 का जो 4x वाला स्लॉट होगा उसकी स्पीड मिलेगी आपको PCIe 3.0 के 8x स्लॉट जितनी, तो यानी कि आपको ज्यादा फास्ट SSDs देखने को मिलेंगी, तो इसीलिए लोग खुश हो रहे हैं। तो अब जो आपको PCIe 4.0 बेस्ड SSDs मिल रही है, जैसे Corsair ने एक अपनी SSD अनाउंस करी है, Gigabyte ने अपनी SSD अनाउंस करी है, आई थिंक टीम ग्रुप ने भी अपनी SSD अनाउंस करी है, तो इन SSDs जो ये PCIe 4.0 बेस्ड है इनमें आपको 4.5 GB प्लस की स्पीड्स देखने को मिलेगी, ठीक है। PCIe 3.0 4x स्लॉट की लिमिट जो थी वो थी 4 GB पर सेकंड, लेकिन अब क्योंकि PCIe 4.0 आ चुका है उसकी स्पीड बढ़ चुकी है, तो आपको 4 GB पर सेकंड से भी ऊपर की SSDs देखने को मिलेगी। NVMe SSDs के बारे में एक चीज ध्यान रखना, ये SSDs जो है वो कभी कभी थोड़ी हॉट रन भी करती है, मतलब गर्मी भी निकालती है, तो जब आप इनको अपने उसमें लगाओगे M.2 स्लॉट में लगाओगे तो कई सारे अच्छे मदरबोर्ड्स के साथ जो है वो एक ऊपर से इनके ऊपर हीट सिंक आती है देखने को। कुछ मदरबोर्ड्स में तो बस वो एक नेम प्लेट जैसी रहती है, मतलब कि उसके ऊपर से कवर होगा, उसमें मदरबोर्ड का नाम लिखा होगा या ब्रांड का नाम लिखा होगा या लोगो बना होगा, वो ज्यादा कुछ काम नहीं करती, लेकिन कुछ ब्रांड्स में एक्चुअल तुम्हें हीट सिंक देखने को मिलती है इनके ऊपर, तो उस हीट सिंक का काम एक्चुअली में रहता है। ये NVMe वाली जो SSDs होती हैं, ये अगर तुम ये जो है वो हॉट रन भी करती है तो इनको जो है वो तुम्हें कोल्ड रखना होता है। हालांकि मैंने एक एक्सपर्ट से बात करी, मैं कोई SSD का एक्सपर्ट नहीं हूं, बट मैंने एक एक्सपर्ट से बात करी जो कि इनका एक्सपर्ट है, तो उनका ये कहना था कि NVMe SSDs में दो चीजें होती है, वैसे तो सारी SSDs में दो चीजें होती है, पर इसके अंदर क्या होता है कि जो तुम्हारा NVMe जो तुम्हारा कंट्रोलर होता है, ठीक है, कंट्रोलर जो है वो कोल्ड रहना चाहिए ताकि तुम्हारी स्पीड जो है वो थ्रॉटल ना करें, और जो मेमोरी है एक्चुअल जो मेमोरी ICs उसमें लगी हुई है वो जो है वो हॉट रन करनी चाहिए, मतलब एकदम हॉट भी नहीं बट अराउंड आई थिंक 40-50 के बीच में रहनी चाहिए। तो मतलब तुम्हारे पास बाकी SSDs में तो ज्यादा कुछ टेंशन होती नहीं है, लेकिन M.2 में क्या है, तुमको कंट्रोलर को रखना है ठंडा और मेमोरी को रखना है हॉट, तो कभी कभी क्या होता है उसके अंदर तुम्हें थर्मल पैड या फिर इस टाइप का कुछ देखने को मिलेगा जिसका काम बेसिकली ये होता है कि वो हीट को स्प्रेड कर देता है उस M.2 SSD के ऊपर, कंट्रोलर से जो हीट निकल रही है वो पूरे SSD में फैल रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि जो मेमोरी अगर ठंडी भी है तो वो मेमोरी थोड़ी कंट्रोलर की हीट से थोड़ी गर्म हो जाएगी, एंड क्योंकि कंट्रोलर की हीट फैल गई तो कंट्रोलर ठंडा हो गया। तो ये एक बेसिक तरीका है उसको ठंडा करने का, बट अगेन हीट सिंक तुम्हें अगर तुम एक Ryzen 9 i9 2080 Ti और इतनी महंगी SSD ले रहे हो NVMe, तो ऑफकोर्स तुम्हारे मदरबोर्ड में हीट सिंक होगी होगी इसके लिए। एंड फाइसन जो है वो इनके लिए कंट्रोलर्स बनाते हैं, और अभी फाइसन ने लेटेस्ट अनाउंस किया है कि वो PCIe 4.0 के लिए नया कंट्रोलर लाने वाले हैं, और वो कंट्रोलर जो है वो 6.5 GB पर सेकंड तक की स्पीड प्रोवाइड करेगा। तो मतलब आने वाली फ्यूचर SSDs तुम्हें जो है वो 6.5 GB पर सेकंड, वैसे तो थ्योरेटिकल
टिपिकल लिमिट जो है वो 8 GB पर सेकेंड है, लेकिन अभी कंट्रोलर्स भी लिमिट कर देते हैं, तो कंट्रोलर जो है वो फाइसन जो है वो लेटेस्ट 6.5 GB पर सेकेंड का लाने वाला है। फ्यूचर में क्या पता वो 7 GB पर सेकेंड का भी कंट्रोलर लाएं, या 7.5 या 8 GB का भी, तो वो उससे तुम्हारी SSDs और फास्ट देखने को मिलेंगे। अब जो है वो अगर तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही बजट है तो तुम रेड भी कर सकते हो, तुम्हारे पास कुछ कार्ड्स आएंगे जो जैसे कि असूस का तुम्हें ये कार्ड दिखता है, इसके अंदर तुम जो है वो 4-5 SSDs लगा सकते हो, वैसे 4 लगा सकते हो ठीक है, और उन 4 SSDs को तुम RAID 0 RAID 1 अपने हिसाब से जो है वो करके मतलब कॉन्फ़िगर करके और अपने PCIe स्लॉट में लगा सकते हो। तो ये भी ऑप्शंस हैं, तुम चाहो तो ये भी कर सकते हो। तो SSDs के साथ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी तो PCIe SIG जो ग्रुप है उसने PCIe 6.2 की भी स्पेसिफिकेशन निकाल दी है, तो बढ़ते जा रहे हैं फ्यूचर में हम लोग आगे। लेकिन SSDs जो आपको मैं बोलूँगा कि एक बजट बिल्ड जो 40,000-50,000 का होता है उसके अंदर आप जो है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि एक हार्ड ड्राइव लो और एक SSD लो, तो ये कॉम्बो जो है ये बेस्ट रहता है 40,000-50,000-60,000 के बजट्स के लिए। एंड SSD की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ 2.5 इंच वाली जो SSDs होती है, ये वाली SSD जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, तो इस टाइप की SSD जो है वो बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करती हैं एक सिस्टम को। अगर आप एक 40,000 बजट, 50,000 बजट, 60,000 बजट, इस टाइप के इतना अगर आपका मिड रेंज का बजट है तो ठीक है, तो आप चाहो तो इन SSDs की जगह पे M.2 सेटा SSD ले सकते हो। M.2 सेटा आपको स्पीड वही प्रोवाइड करेगी 2.5 इंच वाली, लेकिन बस वो होगा कि उसका फॉर्म फैक्टर अलग होगा, छोटी होगी दिखने में और थोड़ी सी ऊपर नीचे महंगी हो सकती है, तो वो आप अपनी पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से चूज कर सकते हो। तो उम्मीद है यार तुमको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तुम कौन सी SSD यूज़ करते हो अपने सिस्टम में, या कौन सी लेने की सोच रहे हो, या तुम्हारा प्लान क्या है SSD को लेके, क्या तुम्हारी दिमाग में जितने भी क्वेरीज थी SSD को लेके वो सॉल्व हुई नहीं हुई, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर गाइस।